नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमडी अख्तर और आज हम बताने वाले हैं, आज 30 तारीख है, आज के दिन भोला मूवी रिलीज हो गया है और इसी के बारे में रिव्यू करते हैं। मूवी की कहानी एक कैदी से शुरू होती है जो कि आज़ाद किया जाता है और उस कैदी को एक काम मिलता है और उस काम को अंजाम देने के बाद वो अपने बेटी से मिल पाती है। अब क्या काम होती है, किस तरह से अंजाम देना होता है, क्या क्या काम होता है, क्या परेशानियाँ होती है, क्या दिक्कत होती है, ये सब चीज़ इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन जितना आसानी से मैंने बता दिया उतना आसान है नहीं, इसमें बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएंगे। और इस मूवी में, ये मूवी जो है कैथी की रीमेक है। अगर आप कैथी मूवी जो इंसान देखें, जो ऑडियंस देखें, यकीन कह रहा हूँ इस मूवी को नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन कुछ कुछ अगर अलग होता तो देखने में इंटरेस्ट रखता है ऑडियंस, लेकिन सारे के सारे चीज़ उसी का डाला गया है। और इस मूवी की बात करते हैं मुख्य पॉजिटिव 5 पॉइंट के बारे में, अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। पॉजिटिव नंबर 1, VFX कमाल के डाला गया है। पॉजिटिव नंबर 2, स्क्रीन प्ले दमदार दिखाया गया है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया है। पॉजिटिव नंबर 3, इमोशन, बाप बेटी का इमोशन दिखाया गया है। वाकई में अजय देवगन को दिखाया जाता है आपके बेटी है या नहीं, आप उनके पिताजी है या नहीं। चौथा पॉइंट, बीजीएम, एक्टर के अनुसार जो बीजीएम बजता है, धुन के अनुसार, एक्शन के अनुसार, वो कमाल के काबिले तारीफ है। और पांचवा नंबर, एक्शन सिक्वेल, वाह भाई वाह, क्या एक्शन सिक्वेल है। वो वाला सीन काफी अच्छा लग रहा है जब बाइक को अजय देवगन घुमा रहे हैं और वो घुमाते घुमाते ऊपर लेके चले गए हैं, वो वाला सीन काफी अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर के एक ये एक मास इंटरटेनिंग मूवी है। लेकिन गलती मूवी में हमको एक चीज निगेटिव लगा कि ये मूवी कैथी का रीमेक है, इसी वजह से जो इंसान कैथी मूवी को देखें ये मूवी को देखना पसंद नहीं करेंगे। और जो डायलॉग है कैथी में, एक डायलॉग है जो कि 10 साल से वो इंसान जेल में रहा करते थे, अब यहाँ भी अजय देवगन वही चीज बता रहे हैं कि 10 साल से जेल में रहा करते, आगे पीछे कर सकते थे, कुछ अलग कर सकते थे, लेकिन सारी चीज वही डाला गया है। हालांकि मूवी में हर वो एक्टर्स अच्छा तरीके से काम किए हैं, चाहे वो ताबू मैम हो, अजय देवगन हो, अजय देवगन का लुक तो एकदम कमाल के लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक मास इंटरटेनिंग मूवी हुई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।